जिंदा मर गया। चेक वीडियो केबल करो कहीं से, इसमें से क्या चक्कर है? रखो मैं करता हूँ, ये देखो ना, होएगा कैसे नहीं, हो गया। चलो कल हम लोगों ने बात किए थे जेड संवितरण फलन निकाला था एक परमाणु गैस के लिए, चालू हो गया कि नहीं हुआ? हाँ, एक परमाणु गैस के लिए संवितरण फलन, और उसका वैल्यू था हमारे पास जेड इक्वल टू वी ओवर एच क्यू टू पाई एम के टी की पावर 3। अच्छा देखो, अगर अपन मान लेते हैं कि गैस में कितने अणु हैं, एन अणु हैं, गैस के कुल आयतन में अणुओं की संख्या कितनी है, एन है। एक अणु की जो स्थिति होती है, एक पार्टिकल तीन डायमेंशन में मूव कर सकता है, इसका मतलब एन पार्टिकल, एक पार्टिकल के लिए तो तीन डायमेंशन होती है, एक्स डायमेंशन, वाई डायमेंशन और जेड डायमेंशन। ऐसे ही एन पार्टिकल्स के लिए डायमेंशन 3n डायमेंशन होंगे, ठीक है। उस स्थिति में संपूर्ण गैस के लिए जो अपन संवितरण फलन लिखना चाहेंगे, या फिर अगर अपन कहें कि कला कोष्ठका का आयतन अगर लिखना चाहें, तो कितना हो जाएगा, एच की पावर 3n। भाई एक अणु के लिए कला कोष्ठका का आयतन कितना होता है, एच क्यू। एन अणुओं के लिए कितना होगा, एच की पावर 3n। इस स्थिति में जो संवितरण फलन लिखा जाता है, उसको लिखने का एक तरीका होता है, जेड एस इक्वल टू जेड की पावर एन। अगर n पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल के लिए संवितरण फलन की स्थिति है, x में जाता है, y में जाता है और z में जाता है। किसी एक परमाणु का आदर्श गैस के किसी एक पार्टिकल के लिए जो क्योंकि एक पार्टिकल के लिए ही तो कला कोष्ठका का आयतन है ये, तो ये एक पार्टिकल के लिए या एक परमाणु के लिए या एक कण के लिए क्या है, संवितरण फलन। ऐसे अगर हमारे पास कितने कण हो, n पार्टिकल हो, तो उसके लिए संवितरण फलन को लिखने का तरीका होगा हमारे पास जेड एस इक्वल टू जेड की पावर, ठीक। नहीं आई बात समझ? अरे भाई सुन, ये एक अपन जो बात डिस्कस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, मैं दोबारा से एक बार डिस्कस कर, सुनो, मेरे पास एक पार्टिकल है, सिंगल पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं। उस एक पार्टिकल के लिए हमने तीन स्थितियां डिफाइन की थी, एक पार्टिकल के लिए तीन ही तो स्थितियां थी हमारे पास। एन पार्टिकल के लिए स्थितियां कितनी होंगी, 3n स्थितियां होंगी। एक पार्टिकल के लिए कला कोष्ठका का आयतन क्या लिखते थे आप लोग, भाई dx dy dz dpx dpy dpz h क्यूब। h क्यूब का मतलब है कि h ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, कितनी स्थितियों में जा सकता है, n2 उसके साथ परमाणुओं की संख्या कितनी है, ये है इसका मतलब। ऐसे ही अगर इसके लिए लिखना चाहो तो h की पावर 3n। ये तो हुई कला कोष्ठका के आयतन की बात। दूसरी बात, अगर मान लो एक गैस का संवितरण फलन ये है, गैस के एक पार्टिकल का, अगर ऐसे गैस के n पार्टिकल हैं, तो n पार्टिकल के लिए संवितरण फलन जिस तरीके से लिखा जाएगा, जेड एस उसका वैल्यू होगा जेड की पावर एन। उसका एक तरीका है, उसका एक रीजन है, जैसे अगर अपन लॉग जेड एस के बारे में बात करेंगे तो वो एन लॉग जेड हो जाएगा। मीन्स संवितरण फलन का जो लॉगरिथम है, जिसमें सिंगल ये तो एक अणु के लिए संवितरण फलन का लॉग है, इसमें एन अणुओं के लिए एन टू कर दो, मीन्स जितने पार्टिकल्स आपके पास गैस में हैं उनका गुणनफल कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, लॉग जेड एस। ये क्या कह रहा है, फिर तो गैस भी एन एटॉमिक गैस हो गई। अरे एन एटॉमिक का मतलब ये नहीं है, एन एटॉमिक का मतलब ऐसे अणु हैं उसमें, एक परमाणु का मतलब ये है कि उसका अकेला परमाणु एग्जिस्ट करता है, अस्तित्व में रहता है, मींस पेयर नहीं बनाता। आदर्श गैसें कैसी होती है, जैसे हीलियम है, नियोन,
आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनान होती है ना, ये सब कैसी गैस है? एक परमाणु गैस है। अब इसका एक परमाणु का मतलब ये थोड़ी है कि सब पूरे डब्बे में इसका एक सिंगल परमाणु हो बस, ये एक परमाणु गैस नहीं है। गैस तो बहुत सारी होगी, अणु तो बहुत सारे होंगे। कल हमने यही कहा था कि वो आपस में रिएक्शन नहीं करते, बॉन्ड उनके बीच का जो इंटरेक्शन है, अन्योन्य क्रिया है, वो दुर्बल होती है। मीन्स कभी ऐसे नहीं बनेगा, Hg2 नहीं मिलेगा। मीन्स खुद इसका एक और मीनिंग ये है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ऐसे ही तो कहते हो आप लोग। उसका जो अष्टक होता है केमिस्ट्री में, जिस बात को आप लोग पढ़ते हो, उसका जो अष्टक होता है वो कंप्लीट होता है। हीलियम हुआ, नियोन हुआ, आर्गन हुआ, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, और भी आता है साथ एक रेडॉन और आता है, यही तो आते हैं नहीं अगर कर जीरो रन आउट वाले, वो 18वां वर्ग है लास्ट लास्ट का, वही तो आदर्श गैस है, जिसको आप निष्क्रिय गैस भी कहते हो, अक्रिय गैस, नोवेल गैस, उत्कृष्ट गैस, आदर्श गैस, सब वही है। क्योंकि इनके एक परमाणु का एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये सब एन अणु है तो एन एटॉमिक गैस हो गई, नहीं, इसका मीनिंग ये नहीं है। एक परमाणु का मतलब है कि जिसके स्ट्रक्चर में स्वतंत्र रूप से एक परमाणु काम कर रहा है, ये उसका मैटर है। ठीक है, तो अपन उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलो, जेड एस का वैल्यू क्या हो गया, जेड की पावर एन। सबसे पहले बात करेंगे अपन आंतरिक ऊर्जा के बारे में। हमने पहले भी बातें की थी जब अपन संवितरण फलन पढ़ के आए थे, तो आंतरिक ऊर्जा, एंट्रोपी, एंथैल्पी, गिब्स मुक्त ऊर्जा, पहले यूनिट में सब के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। तो सबसे पहली बात आंतरिक ऊर्जा के बारे में, ये होता है के टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी लॉग जेड एस। अगर किसी गैस के पास एन परमाणु है तो उसके लिए इंटरनल एनर्जी क्या होगी, ई बार इक्वल टू के टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी लॉग जेड एस, के टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी लॉग जेड की पावर एन। चलो, ई बार इज इक्वल टू एन के टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी लॉग जेड। अपन क्या करें, एन तो वैसे भी कांस्टेंट है, उसको तो बाहर निकाल के भी लिख सकते हो, उससे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, डेल अपॉन डेल टी लॉग जेड, लॉग जेड का वैल्यू क्या है, अगर अपन इसका लॉग ले लें तो इसका वैल्यू मिल जाएगा हमें। चलो log z इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख दूं, log v। अच्छा देखो, मैं इसको लिखने का एक और तरीका है मेरे पास, मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, v 2 pi m kt upon h square की पावर 3/2, काम चल जाएगा। और इसमें भी मैं थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूं, इंटू टी की पावर 3/2, बात तो वही है, मुझे इसको लॉग की फॉर्म में लिखना है, लॉग वी प्लस 3/2 लॉग 2 pi एम के अपॉन एच स्क्वायर प्लस 3/2 लॉग टी, और मैं ये पूरा की पूरा वैल्यू यहां लाके रख देंगे। ठीक है, इसलिए ई आर इज इक्वल टू एन के टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी, वैल्यू रखो लॉग वी प्लस 3/2 लॉग 2 pi एम के अपॉन एच स्क्वायर। ये तो हो गया, ये तुम देखो प्लस 3/2। वीडियो क्लियर नहीं आ रही, अरे आ रही है कि नहीं आ रही रे वीडियो, वीडियो देखो ना, सुलेगा है सही हो गया, ये चालू, अच्छा आ रही है, आ तो रही है,
नहीं आ रही। अरे जिसके नहीं आ रही इसका मतलब ये उसका फोन खराब है। हाँ, या फिर तुम लोगों ने पूरी फीस जमा दी कॉलेज वालों के लिए। हाँ, तो एक अगर ऐसा होता तो एक बार की तुम लोग रिज्वाइन कर लिया करो। है जैसे कई बार प्रॉब्लम आती है तो रिज्वाइन कर लिया करो, ऐसे कई बार हो जाता है दिक्कत है। चलो चलो सर जी करो कार्यक्रम। एन के टी स्क्वायर, देखो भाई साहब ये तो जीरो, वी का टी से कोई रिलेशन नहीं है, ये जीरो ये जीरो ये बचेगा। लॉग टी का क्या होगा, वन अपॉन टी। अच्छा अब जरा एक बात सुनो, दूसरी बात, अगर मान लो ये जो एन है परमाणुओं की संख्या, अगर ये अवोगाद्रो संख्या के बराबर हो जाए, अगर ऐसा हो कि एन जो हमने लिया है उसकी संख्या अवोगाद्रो नंबर के बराबर हो, यदि एन इक्वल टू क्या हो जाए, एन ए, एन ए मतलब अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो संख्या का मतलब 6.023 × 10⁻²। तो ये जो वैल्यू बनता है वो हो जाएगा एन ए के इंटू 3/2 टी बचा, और एन ए इंटू के क्या होता है, आर होता है। इसको अपन गैस नियतांक बोलते हैं, तो इसका मतलब ई आर का वैल्यू क्या आ गया, 3/2 आर टी हो गया। चलो ये क्या हो गई, आंतरिक ऊर्जा के बारे में बात हो गई आप लोगों के साथ। ठीक, देखो जरा फटाफट से एक बार की, फिर अपन आगे बात करें। देखो जरा आगे कार्यक्रम करें। चलो अगला देखो, एंट्रोपी। ये क्या यूज किया था हमने, एन के टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी लॉग चार, यही तो किया था। हाँ यही है। चलो एंट्रोपी के बारे में बात करते, हमने वहां एंट्रोपी भी निकाली थी फर्स्ट यूनिट में संवितरण फलन के लिए। एस इक्वल टू लॉग जेड प्लस टी डेल ओवर डेल टी लॉग जेड। चलो वही काम कर लेते हैं अपन, आ जाओ जरा। एस इक्वल टू एन के लॉग जेड प्लस एन के टी डेल अपॉन डेल टी, जरा अपन एक काम कर लें, कोई फर्क, बात तो वही है। एन के टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी लॉग जेड की जगह तो अपन लिख सकते हैं ई बार। एस इक्वल टू एन के, जरा इसके लिए कार्यक्रम करो, अपने पास वही वैल्यू थी लॉग वी, ओपन किया था ना कुछ देर पहले, 3/2 लॉग 2 pi एम के अपॉन एच स्क्वायर प्लस लॉग टी प्लस ई बार अपॉन टी, हम चल जाएगा। अब जरा देखो, अब अपन और थोड़ी सी बात और करते हैं इसके बारे में। अगर ई बार अपॉन टी का वैल्यू रखना चाहूं तो मैं 3/2 आर लिख सकता हूं, टी को इधर ले आऊं 3/2 आर आ जाएगा। चलो एस इक्वल टू एन के लॉग वी प्लस 3/2 लॉग
तो पाई एम के अपॉन एच स्क्वायर प्लस 3y2 लॉग टी प्लस 3y2 आर। अब जरा देखो एक चीज, ये पूरी टर्म कांस्टेंट है, ये जो पूरी टर्म है वो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब टू भी कांस्टेंट टर्म है, पाई भी कांस्टेंट है। एक परमाणु गैस के, अगर परमाणु के बारे में आपको जानकारी है, हीलियम का है, नियोन का है, आर्गन का है, क्रिप्टॉन का है, जिनोन का, जिस किसी का भी है, उसका द्रव्यमान भी फिक्स रहा होगा, के का वैल्यू भी फिक्स रहा होगा, एच का वैल्यू वैसे ही फिक्स होता है। तो ये सारी वैल्यू का जो मान है वो फिक्स आएगा, कुछ मतलब कॉन्स्टेंट जो भी बनेगा। 3/2 R, R खुद में फिक्स होता है, गैस कॉन्स्टेंट होता है, इसका मतलब इसका वैल्यू भी फिक्स है। इसलिए अगर इस पूरे वैल्यू को मिला के एक ही कोफिशियंट कोई सी दे देते हैं और कह देते हैं कि सी कोई नियतांक राशि है, कोई नियत मान है अपने पास, या एस इक्वल टू एन के लॉग वी प्लस 3/2 लॉग टी प्लस सी, काम करेगा। लेकिन इसके पास एक एन के का टर्म और है, एक मिनट है, आर को भी अगर एन के लिखना चाहे तो अपना काम चलेगा, तो इसलिए इसको ऐसे लिखो प्लस के सी। और जहां लिख देते हैं, जहां सी का वैल्यू जो हमने माना है वो क्या है, एन के, आर की जगह भी तो एन के लिखा जा सकता है, एन इक्वल टू एन ए की कंडीशन है, 3/2 प्लस 3/2 लॉग 2 पाई एम के अपॉन एच स्क्वायर। देखो जरा एक बार भी, अब अपन का काम क्या है, अपन क्या करते हैं, ये हमारे पास एंट्रोपी का वैल्यू तो आ गया, अपन ऐसे कोई दो अलग अलग निकाय ले लेते हैं और दोनों निकायों को संयुक्त करें तो उनकी एंट्रोपी क्या होगी, ठीक है। उस कंडीशन के बारे में हमारे पास दो तरीके होंगे, एक तो अपन अगर जैसे मान लो आपके पास आयतन है, आप आयतन को दुगना कर दो, एक तो ऐसी स्थिति करो उस स्थिति में, या फिर जैसे एक तो वैल्यू है अपने पास s, इसका दुगना कर देते हैं 2s आ जाएगा मान, एक दो अलग अलग निकाय मानते हैं और दोनों की एंट्रोपियों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो एक तो निकाय का दुगना किया जाए, मतलब 2s बना लिया जाए, ये ऐसे एंट्रोपी, अगर इसका दुगना कर दें तो 2s बन जाएगी। एक ऐसे ही दो अलग अलग निकाय लेके उनकी एंट्रोपी निकालें, जैसे एक s1 मान लेते हैं, एक s2 मान लेते हैं, और दोनों की एंट्रोपी को एक नाम रख देते हैं, ये s डैश है। दो एक जैसे निकाय हैं, दोनों को अपन ने जोड़ लिया है, दोनों की एंट्रोपी, तो s डैश माइनस 2s में एक अंतर आता है, मतलब या तो किसी निकाय की एंट्रोपी को दुगना करो या दोनों एक जैसे निकायों को जोड़, उनकी एंट्रोपियों को जोड़ो। दो अलग अलग मतलब मैं क्या कह रहा हूं वो जरा वो सुनो, एक ये रहा एक निकाय, ये एंट्रोपी आई है, एस इक्वल टू एन के लॉग वी प्लस 3/2 लॉग टी प्लस सी। अब मैं जो बात कह रहा हूं उसे जरा ध्यान से सुनो, अपन क्या कह रहे हैं, अपन ये कह रहे हैं या तो इस निकाय की एंट्रोपी का दुगना करो, इस निकाय की एंट्रोपी का दुगना करोगे तो 2s, या फिर ऐसे ही इसके जैसा एक निकाय और लाओ, दोनों की एंट्रोपियों को जोड़ो, मतलब समझे मैं क्या कह रहा हूं, उसका मतलब समझ रहे हो, वो एस डैश आएगा, मान लो उसको अपन ने एस डैश कह दिया। होना तो क्या चाहिए था साहब, इसका दोगुना कर रहे हो या दोनों को एक जैसे उनको जोड़ रहे हो, बात तो बराबर है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये जो एस डैश माइनस 2s जब करते हो तो एक वैल्यू निकल के आता है, और इसी के बेसिस पर अपन एक पार्ट देते हैं जिसका नाम होता है गिब्स विरोधाभास, गिब्स पैराडॉक्स। वो कहता है किसी निकाय की एंट्रोपी का दुगना कर दो, या फिर दो निकायों को या दो सर्वसम निकायों की एंट्रोपियों को संयुक्त करने से जो निकाय बनता है, या दो सर्वसम निकाय हैं उनको संयुक्त करो तो उससे जो एंट्रोपी मिलती है, दोनों के मानों में क्या होता है, अंतर होता है। किसी निकाय की एंट्रोपी को दुगना करना और ऐसे दो निकायों से एक संयुक्त निकाय बनाना और उसकी एंट्रोपी का मान, उन दोनों की एंट्रोपियों में क्या होता है, अंतर होता है। उस अंतर को अपन क्या कहते हैं, गिब्स विरोधाभास कहते हैं, ठीक है। तो अपन गिब्स विरोधाभास के बारे में बात करेंगे, ये अपने पास एक टॉपिक है, आ जाओ देखो जरा एक मिनट।
अब अपना जो काम है वो किसके बारे में जानकारी करना है, गिब्स विरोधाभास के बारे में जानकारी करना है। अपन मान लेते हैं यदि किसी निकाय में टी ताप पर कणों की संख्या क्या है, एन है। किसी ने कहा कि वी आयतन में टी ताप पर कणों की संख्या क्या दे रखी है, एन दे रखी है, इसलिए मोलों की संख्या और मोलों की संख्या को अपन मान लेते हैं एन। मोलों की संख्या क्या मान लेते हैं, एन है, एन इक्वल टू एन अपॉन एन है, सिंपल सी बात है ये तो। इसका मतलब एन इक्वल टू एन एन ए, जरा वो वैल्यू वहां रखो तो, इसलिए एस इक्वल टू एन एन ए के लॉग वी प्लस थ्री बाई टू लॉग टी प्लस सी, काम चल जाएगा अपना। एन ए के आर होता है एस इक्वल टू एन आर लॉग वी प्लस थ्री वाई टू लॉग प्लस सी, अभी सही ज्वाइन करना है क्या बेटा, चलो रिज्वाइन कर लेना भाई एक बार की, फिर करते हैं आगे की बात, यहीं से कंटिन्यू करेंगे।